मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो टुडे टॉपिक आई टीच यू मैकेनिकल मेथड्स ऑफ आईपीएम. आईपीएम का आज मैकेनिकल मेथड्स पे हम चर्चा करेंगे. इसके पहले कल्चरल हो चुका था, फिजिकल हो चुका था, तो कई मेथड्स हो चुके हैं. नेक्स्ट आज टॉपिक है मैकेनिकल मेथड्स ऑफ आईपीएम. व्हाट इज मैकेनिकल मेथड, क्या मैकेनिकल मेथड्स होते हैं? टू द रिडक्शन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ मैनुअल डिवाइस आर मैकेनिक इज रिफर्ड एज मैकेनिकल कंट्रोल. जब हम हाथों के द्वारा मैकेनिकल मेथड्स के द्वारा हम जब डिजीज को या इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड्स. जो मैनुअल होता है, हाथों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल मेथड. उसी को हमने डिफरेंस दिया है द रिडक्शन ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन बाय मींस ऑफ मैनुअल डिवाइस. इसी मैनुअल डिवाइस के द्वारा उनको नष्ट किया जाए, उसी को हम मैकेनिकल मेथड्स कहते हैं. राइट. मेथड मैकेनिकल मेथड में कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट होता है कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन. डिजीज को, इंसेक्ट को कलेक्ट करिए और उसे नष्ट कर दीजिए. कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, इसमें डिफरेंट लाइफ स्टेज ऑफ इंसेक्ट आर किल्ड बाय मैनुअल, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो लाइफ साइकिल पूरा करने वाले इंसेक्ट होते हैं या हमारे क्रॉपों को नष्ट करने वाले इंसेक्ट होते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और किल कर देते हैं और या तो फिर मार देते हैं. अब उसमें मैनुअल फोर्सेस पहला प्रयोग करते हैं. कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन में मैनुअल फोर्सेस, जिसमें कौन कौन से मैनुअल फोर्स के द्वारा, हाथों के द्वारा कलेक्ट करके इंसेक्ट मारे जाते हैं, बहुत सारे हैं. हमने दो तीन एग्जांपल लिखा है, राइस स्टेम बोरर, रेड हैरी कैटरपिलर, मस्टर्ड एफिड, इत्यादि ऐसे इंसेक्ट हैं जो हाथों के द्वारा कलेक्ट किए जा सकते हैं और उसको मारा जा सकता है. इसको हम मैनुअल फोर्स के नाम से जानते हैं. राइट. नंबर टू है मैकेनिकल फोर्स, इसको हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं. जैसे यूज ऑफ इंसेक्ट कलेक्शन नेट, जाली के द्वारा, नेट के द्वारा हम, जैसे फेंक के नेट के द्वारा हम इंसेक्ट को कलेक्ट करते हैं और उसे फिर क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं. जिसमें रैट ट्रैप भी आता है, टिलेज इंप्लीमेंट्स आते हैं, ये सब है मैनुअल फोर्सेस होते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं जिसके द्वारा इंसेक्ट को मारा जा सकता है. जैसे यूज ऑफ इंसेक्ट कलेक्शन नेट, इसके द्वारा इंसेक्ट कलेक्ट करते हैं, जाली में आके, नेट की जाली में आके फंस जाता है इंसेक्ट और उसे हम नष्ट कर देते हैं. या रैट ट्रैप, जो चूहों को आकर्षित करने वाला रैट ट्रैप लगाते हैं, उसमें चूहा आकर फंस जाता है. टिलेज इंप्लीमेंट, सिंचाई के द्वारा जो व्यवस्था हम करते हैं, उसमें उनको नष्ट किया जा सकता है. इस तरह उसको मैकेनिकल फोर्स के नाम से जानता है. राइट. नंबर टू है प्रिवेंटिंग बैरियर आर ओ आर, मैकेनिकल एक्सक्लूजन. दूसरा मेथड है, पहला है कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, जिसको हाथों से पकड़ के नष्ट करते हैं, जिसमें दो टॉपिक था, मैनुअल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स. अब नंबर टू टॉपिक है प्रिवेंटिंग बैरियर्स. ऐसा हम बैरियर्स लगा देते हैं, ऐसे अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसे इंसेक्ट हमारी क्राफ्ट की ओर ना आए या आए तो वो नष्ट हो जाए ऑटोमेटिक. जिसमें फर्स्ट है वार्पिंग ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स की जो हमारे जो फ्रूट्स हैं, जितने बड़े बड़े बगान है, उसे वार्पिंग कर देते हैं, जिसे इंसेक्ट कलेक्शन होता है और नष्ट ऑटोमेटिक होता है. दूसरा है बेंडिंग, चारों तरफ फील्ड के चारों तरफ ऐसा बेंडिंग कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक कवर लगा देते हैं, पॉलिथीन का कवर लगा देते हैं चारों तरफ और इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होता, उसे दिखाई नहीं देता है, उस तरफ को हम बेंडिंग कहते हैं. तीसरा नेटिंग, जाल फील्ड के चारों तरफ से ऊपर से नीचे तक जाल नहीं लगा देते हैं और जिससे बाहरी इंसेक्ट उसके ऊपर एंट्री भी नहीं कर सकता, आता जरूर है लेकिन एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि चारों तरफ फील्ड के चारों तरफ हमने नेट लगा रखा है, जिसमें ग्रीन हाउस हम बनाते हैं, पॉली हाउस बनाते हैं, ये सब नेटिंग करते हैं. नेक्स्ट है ट्रेंचिंग करते हैं, इसी तरफ ट्रेंचिंग चारों तरफ फील्ड के कर देते हैं, जिससे इंसेक्ट उसकी तरफ आ नहीं सकता, अगर आएगा तो ऑटोमेटिक मर जाएगा. नेक्स्ट है टीन बैरियर, छोटे छोटे जगह जगह खेतों में टीन लगा देते हैं, जिसमें इंसेक्ट उसी में आता है, कलेक्ट होता है और ऑटोमेटिक हम उसे किल कर देते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फेंसिंग, फील्ड के चारों तरफ हम इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगा देते हैं, बिजली का करंट प्रवाहित होता रहता है, इसमें इंसेक्ट उसकी तरफ आकर्षित ही नहीं होते हैं और हमारी क्राफ्ट बच जाती है. इस प्रकार हम प्रिवेंटिंग बैरियर लगाते हैं सुरक्षा प्रदान करने के लिए, एक खेत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए. इसमें वार्पिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं, बैंडिंग कर देते हैं, नेटिंग कर देते हैं, ट्रेंचिंग करते हैं, टिन बैरियर लगा देते हैं एंड इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर देते हैं. राइट. नेक्स्ट है ट्रैपिंग करना, थर्ड पॉइंट है ट्रैपिंग.
फर्स्ट है कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, दूसरा है प्रिवेंशन बैरियर, तीसरा है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग में देखिए होता है पहला लाइट ट्रैप, हम लाइट की व्यवस्था करते हैं फील्ड के बीचों बीच ऐसी लाइट लगाते हैं जिससे लाइट की तरफ इंसेक्ट कलेक्शन होता है, आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है और फिर ऑटोमेटिक क्या करते हैं उसे हम किल कर देते हैं, राइट। दूसरा है स्टेकिंग ट्रैप, स्टेकिंग ट्रैप में तीन बॉक्स कॉटन व्हाइट प्लाई एफिड थ्रिप्स ये सब ऐसे इंसेक्ट हैं जो ऑटोमेटिक किल करते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट है बैट ट्रैप में ईट बैट ट्रैप अट्रैक्टेंट आर प्लेस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट एंड किल इंसेक्टिसाइड, उस बैट ट्रैप में हम इंसेक्टिसाइड डाले रहते हैं उसी तरफ इंसेक्ट आकर्षित होता है और ऑटोमेटिक वो इंसेक्टिसाइड जिस ही संपर्क में आता है किल कर जाता है। नेक्स्ट है फिश मील ट्रैप यूज अगेंस्ट सोरगम सूट फ्लाई के लिए सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, इसको फिश मील ट्रैप कहते हैं। नेक्स्ट है पिट फॉल ट्रैप, ट्रैप इंसेक्ट मूविंग अबाउट ऑन द सॉइल सरफेस, जब हम पिट फॉल ट्रैप का प्रयोग करते हैं तो इंसेक्ट ऑटोमेटिक प्लांट से उतर कर जमीन पर आ जाता है और फिर उसको हम नष्ट कर सकते हैं, ये सब मेथड को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है फेरोमोन ट्रैप, सिंथेटिक सेक्स फेरोमोन्स आर प्लेस इनटू ट्रैप आर अट्रैक्ट मोस्टली मेल, जो फेरोमोन से होते हैं उसमें अधिकतर मेल को आकर्षित करते हैं और जिससे फीमेल फील्ड में रह जाती है, इसमें मल्टीप्लिकेशन क्रिया नहीं हो पाती और धीरे धीरे ऑटोमेटिक क्या करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोब ट्रैप, द ट्रैप कैन बी स्टोरेड इन द स्टोर ग्रेन राइस मिल, जब हम ग्रेन दानों में रखते हैं, जब घर में अनाज रखते हैं उसमें अधिकतर हम प्रोब ट्रैप का प्रयोग करते हैं जिससे राइस मिल कलेक्ट होती है और उसको हम मार डालते हैं। इस तरह बच्चों बहुत सारे मेथड्स को हम मैनुअल मेथड्स कहते हैं जिसको हाथों के द्वारा इंसेक्ट को मारा जा सकता है, जैसे जिसमें मैकेनिकल मेथड्स होता है उसमें फर्स्ट है कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, मैकेनिक जिसमें नंबर टू है प्रिवेंशन बैरियर और नंबर थर्ड है ट्रैपिंग जिसको हम बाई हैंड्स उसको यूज करते हैं। सो माई वीडियो इज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।